फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल स्वीट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही सॉफ्ट है, मुंह में जाए, एकदम घुल जाए, बनाने में टाइम बिल्कुल भी ना लगे। और साथ ही इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट लगे हैं वो सब आपकी किचन में इजीली मिल जाते हैं। टाइम टेकिंग बिल्कुल भी नहीं है, खाने में टेस्टी है, समय बहुत कम लगेगा। तो चलिए बहुत ही झटपट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। मैं कल्पना माहेश्वरी, अपने चैनल माहेश्वरी रेसिपी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मिठाई खाना फ्रेंड्स सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन मिठाई बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है और कई बार बहुत ज़्यादा तामझाम हो जाता है। लेकिन वो ही मिठाई अगर हम झटपट बना लें और बहुत ही कम सामान लगे, तामझाम बिल्कुल भी ना हो, तो मिठाई खाने का मज़ा चार गुना हो जाता है। तो बस आज ऐसी ही स्वीट रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है। तो बहुत ही झटपट से ये मिठाई की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, इस बहुत ही स्पेशल स्वीट रेसिपी को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी दूध की, और सिर्फ आधा किलो दूध में आप इसके 10 से 12 पीस बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले दूध को रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करने के लिए गैस ऑन करिए, उसके ऊपर एक चौड़ा सा भारी बॉटम का पैन रख दिया, जिससे काम फटाफट हो जाएगा। और उसे किया हल्का सा ग्रीस, और उसमें हमें ये जो दूध लिया है ये डाल देंगे। फ्रेंड्स, पैन जो चौड़ा होगा और बॉटम भारी होगा तो आपका काम फटाफट हो जाएगा। और उसमें डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से चीनी। फ्रेंड्स, इसमें चीनी थोड़ी सी कम अच्छी लगती है, ज़्यादा चीनी ना डालें। मैंने सिर्फ 3 टेबल स्पून जितनी चीनी डाली है। और चलिए बस अब इसे हम 5 से 7 मिनट तक रिड्यूस करेंगे। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा गाढ़े दूध की ज़रूरत नहीं है। अगर आप काम को और भी जल्दी करना चाहते हैं तो आप एक और काम कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल दें, और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे भी पकाएंगे तो 5 से 7 मिनट में ही दूध अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा। बस आप इसे लगातार चलाते रहें, जिससे इस पर मलाई ना पड़े। हाँ, इसे ना तो हमें रबड़ी बनानी है और ना इस पर मलाई पड़नी चाहिए। तो चलिए 5 से 7 मिनट हुए, और उसके बाद डाल दिया एक अच्छे कलर के लिए इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर। और देखिए क्या नाइस, एकदम बढ़िया सा पिंक कलर आ गया है। तो बस परफेक्ट स्टेज है कि अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दें, क्योंकि इससे ज़्यादा गाढ़े दूध की हमें ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने लिया है एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल, और जिसे मैंने 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, जिससे वो अच्छा चिल्ड हो गया है। और उसके अंदर डाल दी 1 कप जितनी व्हिप्ड क्रीम, और जो क्रीम मैं यूज कर रही हूँ वो ऑलरेडी मीठी है, इसलिए हमें इसमें शुगर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पास बाद अगर आपके पास इस तरीके का हैंड ब्लेंडर है तो बहुत ही बढ़िया बात है कि आप इससे बीट कर लें, वरना नॉर्मली जो घर में बीटर होता है जो बिना इलेक्ट्रिक होता है, आप उससे भी बीट कर सकते हैं। बस इससे थोड़ा सा समय बच जाता है और उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा जाता है। पहले हम इसे एकदम स्लो मोड पर हल्का हल्का व्हिप करेंगे, और जब एयर पॉकेट्स बनने लगें, और यानी कि इसमें एयर बबल आने लगें, उसके बाद आप स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दें। अगर आपने स्टार्टिंग में ही ज़्यादा हाई मोड पर इसे व्हिप किया तो क्रीम बढ़िया नहीं बनकर तैयार होगी। और ये देखिए जब अच्छे से एयर बबल्स बनने लगे हैं, उसके बाद हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। इससे जो हम क्रीम व्हिप करेंगे और इससे जो रेसिपी बनाएंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और साथ ही एक अच्छे कलर के लिए हम इसमें डालेंगे येलो फूड कलर। फ्रेंड्स, कलर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, बस इससे थोड़ा सा लुक बढ़ जाता है, क्योंकि कलर का अपना तो कोई टेस्ट नहीं होता। तो बस अब क्रीम को अच्छे से हम व्हिप कर लेंगे। क्रीम व्हिप करने में फ्रेंड्स हार्डली आपको, अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर है आपके पास तो उससे आपको 5 मिनट का समय लगेगा, और आप देखेंगे कि क्रीम बढ़िया सी व्हिप्ड हो जाएगी और एकदम सॉफ्ट सी, काफ़ी अच्छी सी हमारी क्रीम तैयार होगी। और ये देखिए अभी क्रीम अच्छी गाढ़ी तो हो चुकी है, लेकिन एकदम परफेक्ट नहीं है। बस 1 मिनट और चलाएंगे, और 1 मिनट बाद ही हमारी क्रीम हो जाएगी एकदम बढ़िया तैयार। और ये लीजिए, 1 मिनट भी हो चुका है और क्रीम हमारी अच्छी गाढ़ी हो चुकी है। तो चलिए अब क्रीम की पहचान भी कर लेते हैं कि कैसे आपको पता चले कि क्रीम एकदम परफेक्ट गाढ़ी हो चुकी है। आप इसे इस तरीके से बीटर से उठाएंगे तो आप देखेंगे कि ये अपने शेप को थोड़ी सी देर के लिए मेंटेन करती है, यानी कि एकदम परफेक्ट है। बस इससे ज़्यादा अगर आपने इसे चलाया तो क्रीम फट जाएगी और बटर की फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि एकदम परफेक्ट है। बीटर बंद कर दिया। अब हमने ये जो दूध रखा था इसे मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, जिससे ये अच्छा सा ठंडा हो चुका है, और इधर हमारी क्रीम भी तैयार है। तो अब हमें ज़रूरत होगी ब्रेड की। मैंने ये ब्रेड स्लाइस लिए हैं, मैंने वाइट वाले का यूज़ किया है क्योंकि इससे कलर अच्छा आएगा, वरना आप ब्राउन या मल्टीग्रेन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वाइट यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद हम इसके एजेस कट कर देंगे,
और इस रेसिपी में आपको एजेस कट करना कंपलसरी है, वरना बहुत बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा। और ये लीजिए एजेस कट हुए और ब्रेड एकदम बढ़िया सी साफ हो गई है। तो उसके बाद हमने ये जो दूध लिया था इसे इसमें से डिप कर लेंगे और जितना भी इसमें एक्स्ट्रा दूध है वो हटा देंगे। जैसे कि नॉर्मली हम जब सैंडविच वगैरह बनाते हैं पानी में डिप करते हैं, पानी हटा देते हैं। और उसके बाद ली एक प्लेट और उसमें डाल लिया थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो ब्रेड है इस पर स्टिक नहीं होगी, वरना अगर आप ऐसे ही रख देंगे तो वो स्टिक हो जाएगी। और उसके बाद हम इसमें करेंगे क्रीम की बढ़िया सी लेयरिंग। फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है बनाने में जितनी आसान है, अगर आपने इसे एक बार ट्राई किया ना, आप इसे पूरी गर्मी बनाएंगे क्योंकि बहुत ही अमेजिंग टेस्ट किया है। आप इसे बनाकर फ्रीज में रख दीजिए, करीब 2 दिन तक तो एज इट इज़ रहेगी, बहुत ही बढ़िया टेस्ट करेगी। और ये लीजिए साइड से जो थोड़ी सी ज़्यादा है बस उसे इस तरीके से सेट कर दिया और उसके बाद डेसिकेट कोकोनट में अच्छे से कोट कर देंगे, जिससे लुक और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी हमारी ये स्वीट तैयार हो गई है। वैसे तो इसका जो लुक है इस समय भी ज़बरदस्त लग रहा है। अगर थोड़ा सा लुक बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़े से कटे हुए पिस्ते लगा सकते हैं, मैंने चेरी लगाई है। आप सिल्वर बॉल्स यानी कि जो भी चीज़ आपके पास है आप अपनी इच्छा के अनुसार से बस उससे उसे अच्छे से गार्निश कर लीजिए, जिससे इसका लुक बहुत ही बढ़ जाएगा। और ये देखिए एकदम सेकंडों में बच्चों की फेवरेट, बड़ों की फेवरेट हमारी ये स्पेशल सी स्वीट तैयार हो गई है। बनाना बहुत ही आसान था। आप इसे किटी पार्टी में सर्व कीजिए, बच्चों की बर्थडे पार्टी में सर्व कीजिए, या कभी अचानक ही झटपट मीठा खाने का मन हो तब भी आप ट्राई कर सकते हैं। और ये लीजिए बहुत ही टेस्टी और एकदम अलग तरीके से बनी हुई हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार है। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें। अगर पसंद आई है तो शेयर कर दें। थैंक यू।